अमित राणा के द्वारा मुंबई पुलिस के ऊपर दुर्व्यवहार का आरोप लगाए को लेकर के अब मुंबई पुलिस सक्रिय हो चुकी है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर के द्वारा एक ट्विटर के ऊपर वीडियो शेयर किया गया है जिसमें वह चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं थाने के अंदर। और इसी को लेकर के एक बार फिर सियासी गलियारों के अंदर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। बता दें कि आपको यहाँ पर पुलिस के ऊपर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था और साथ ही पुलिस ने इसके जवाब में अभी क्या कुछ कहा है, क्या वो पोस्ट बयान कर रहा है, सीधा आप सभी को इस रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। नवनीत राणा द्वारा लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोपों के बीच में मुंबई पुलिस ने पलटवार कर दिया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर किया। यह वीडियो पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी का है। इसमें नवनीत राणा और रवि राणा थाने में चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों बहुत ही सहज तरीके से थाने में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। और यह वीडियो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ऐसे समय पर जारी किया जब नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख करके आरोप लगाया था कि पुलिस ने न ही उन्हें पानी पीने दिया और टॉयलेट भी नहीं जाने दिया। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर के अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगाया था और कहा था कि पुलिस उनके साथ में अमानवीय व्यवहार कर रही है। आरोप लगाए कि महाराष्ट्र में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। वहीं हनुमान चालीसा विवाद मामले में गिरफ्तार चल रहे नवनीत राणा और रवि राणा को फिलहाल मुंबई की सैंक्शन कोर्ट से राहत नहीं मिली। दोनों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट की ओर से सुनवाई को टाल दिया गया। अब इस मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी और राणा दंपति को हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर के उठे विवाद के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। राणा दंपति पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है। सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा लगाई गई है।